अनोखा संयोग इन वो सोडी में 2005 के बाद पहली बार हुआ है ऐसा। मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में रविवार को खेले जा रहे चौथे वनडे में टीम इंडिया ने शानदार शुरुआत की है। इससे पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। टीम इंडिया ने अपने प्लेइंग 11 में 4 बदलाव किया है। 5 मैचों की सीरीज में मेजबान टीम 2-1 से आगे चल रही है। कोहली ने इस मैच के लिए टीम में कुल 4 बदलाव किए हैं। महेंद्र सिंह धोनी, मोहम्मद शमी, अंबाती रायड्डू और रविंद्र जडेजा के स्थान पर ऋषभ पंत, भुवनेश्वर कुमार, लोकेश राहुल और युजवेंद्र चहल को मौका दिया गया है। साल 2005 के बाद यह पहली दफा है जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में धोनी भारतीय प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। इससे पहले पिछले 54 भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे मैचों में धोनी हमेशा भारतीय टीम के प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे थे। साल 2004 में त्रिकोणीय सीरीज में आखिरी बार ऐसा हुआ था जब भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच में धोनी भारतीय प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं रहे थे। चौथे वनडे में टीम इंडिया की निगाहें मैच जीत के साथ साथ सीरीज जीत पर भी होगी। रांची में 32 रनों से मिली हार का बदला लेने टीम इंडिया पूरे जोश के साथ मोहाली में उतरी है। मैच जीतने की भरपूर कोशिश करेगी।